आदाब नाज़रीन, मैं अखिल खान और आप देख रहे हैं अंगारे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। अरे बड़े भाई थोड़ा पीछे हट जाइए साहब, मजीद से लिया भाई, हटो हटो भाई, आप लोग फोन पीछे हटो थोड़ा। अरे बहुत चैनल वाले बेफिक्र इन्हों हटो, और लिंगे लिंगे था हटो, सामने से हटते बड़े भाई जरा पैसा फोन नीचे करो भैया, थोड़ा हटके ले लो। नहीं मिले तो मिले तो मिले दस बंद उन्हें भी हमारे अंदर जाकर बैठा मालूम ही नहीं। मैं मेरा नाम शेख वासिफ है, मैं उड़ीसा कटक जिला से हूँ। दुआ करना बस इंशाल्लाह। अल्लाह सभी को बोलिए और क्या पूछते बोलिए बोलिए। सब कहाँ जा रहे हो? अब तो बोर्ड में देख रहे हैं, जा रहा हूँ हज के उम्रे के लिए जा रहा हूँ भैरव साइकिल से। मेरा इरादा हुआ है इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान ईरान इराक होते हुए सऊदी पहुँचना है। कितने दिन का सफर है? सफ़र 3 से 3.5 महीने का सफ़र है इंशाल्लाह, और अगर हालात सही है तो उससे जल्दी पहुँच जाएंगे, हालात अगर कुछ गड़बड़ हुई तो और भी देर हो सकती है। सब ऐसा क्या मुद्दा ले लेते आप साइकिल पर जाने की? ये मुद्दा जो है मिशन द पीस, दुनिया में शांति के हमको दावत करना है। हमने इस्लाम में 6 चीज़ पढ़ जाए, कलमा, नमाज, रोज़ा, जकात और हज। उसके अलावा दावत तबलीग, हम लोगों को दावत करते हैं लोगों कि दुनिया में अमन कायम करो। ये साइकिल पे जा रहे हैं आप, चाहे आप गाड़ी में भी जा सकते हैं, चाहे कार में भी जा सकते हैं, चाहे प्लेन से भी जा सकते थे, ये आप साइकिल पे जाने का मतलब? देखो खास करके जो है अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो है सबसे बेहतर हज वो है जो पैदल हो, और पैदल हज में एक कदम के बदले में 1-1 लाख का नेकी मिलता है। तो हम तो किसी को कुछ हाथ उठा के दे ही तो नहीं सकते हैं, तो कम से कम इतना तो नेकी कर सकते, कदम चल के कम से कम इतना नेकी तो कमा सकते हैं। गवर्नमेंट से कोई सहूलत नहीं मिली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे पास गवर्नमेंट का सारा परमिशन सब बना हुआ है, सारा मैं हमारे उड़ीसा का जो है एसपी का, कमिश्नर पुलिस का जो परमिशन लिया हुआ हूँ, थाने से रिपोर्ट लिया हूँ कि मैं आदमी सही आदमी हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो है मेरा सारा डॉक्यूमेंट संग में लिया हुआ हूँ और मेरा प्रोडक्ट सब बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उड़ीसा कटक से यहाँ से जाने का आप क्यों लेके बैठे? उड़ीसा से भी जा सकते थे ना। देखो ये हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहीं से भी निकल सकते हैं, हिंदुस्तानी है, बता रहा हूँ, सुनिए। उड़ीसा से मैं निकला था, उड़ीसा से 2011 में निकला था, पासपोर्ट भी किए वापस आया, फिर 2013 में निकला वापस, उसमें भी बॉर्डर में कुछ मसला था, वापस आया, लेकिन मैं फेल हो गया। इसका ये नहीं कि मैं कोशिश छोड़ दूँ, कोशिश तो मुझे करना है हर हाल में। कोई अगर मैट्रिक फेल हो गया तो बोले मैं तो फेल हो गया एक बार, फिर मैट्रिक एग्जाम दूंगा ही नहीं, तो वो नाकाम हो जाएगा। हमको कोशिश करना है बार बार। ये सफ़र एक मकदस सफ़र है, ये पैदल हज का सवाब भी है और लोगों को दावत तबलीग का भी मौका मिल, मेरा प्रोडक्ट सब बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उड़ीसा कटक से यहाँ से जाने का आप क्यों लेके बैठे? उड़ीसा से भी जा सकते थे ना। देखो ये हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहीं से भी निकल सकते हैं, हिंदुस्तानी है, बता रहा हूँ, सुनिए। उड़ीसा से मैं निकला था, उड़ीसा से 2011 में निकला था, पासपोर्ट भी किए वापस आया, फिर 2013 में निकला वापस, उसमें भी बॉर्डर में कुछ मसला था, वापस आया, लेकिन मैं फेल हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोशिश छोड़ दूँ, कोशिश तो मुझे करना है हर हाल में। कोई अगर मैट्रिक फेल हो गया तो बोले मैं तो फेल हो गया एक बार, फिर मैट्रिक एग्जाम दूंगा ही नहीं, तो वो नाकाम हो जाएगा। हमको कोशिश करना है बार बार। ये सफ़र एक मकदस सफ़र है, ये पैदल हज का सवाब भी है और लोगों को दावत तबलीग का भी मौका मिलता है इसमें, और लोगों को बताना है कि हमारे पास दो ही रास्ता है, एक अल्लाह का हुक्म, दूसरा नबी का तरीका। हमको नबी के तरीके को फॉलो करना है, दूसरे किसी के तरीके में हमको कामयाबी हरगिज़ नहीं है।
हमको एक ही तरीके की कामयाबी है और अल्लाह के रसूल के तरीके की कामयाबी है। सब क्या काम करते हैं? मैं मेरा असल मैं पैसे से ड्राइवर हूँ। मैं कार की ड्राइवर हूँ। मतलब सैलरी पे रहता हूँ? नहीं, अपनी गाड़ी थी, बेच दिया हूँ, हज के लिए बेच दिया हूँ अपनी गाड़ी। लोग आपकी दुआ के लिए कहे, क्या करेंगे आप? जरूर वहाँ पर फरियाद पेश करेंगे। इन्होंने दुआ के लिए कहा, इनका दुआ कबूल हो गया, मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं, फिर भी मेरा हक बनता है मैं इनके लिए दुआ करूँ। और यही देखो दावत है तबलीग है, इसी को बोलते हैं हमारे इस्लाम का एक अरकान, इसको पूरा करना भी जरूरी है। और जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो उन पर हज फर्ज हो गया है, हज करते नहीं है, लेकिन मेरे निकलने की वजह से जानते हैं कि मुझ पर हज फर्ज नहीं हुआ है, फिर भी मैं निकल रहा हूँ। और इनके दिल में ख्याल आ रहा है कि जब हम पर हज फर्ज हो चुके हम क्यों नहीं जाएंगे, तो वो यही जब ये भी एक दावत है जिसकी वजह से वो हज कर रहे हैं, इसका सवाब मुझे मिलेगा इंशाल्लाह। कौन सी रोड से जाना चाहेंगे आप? ये मेरा रोड अभी का मैं रूट पकड़ूंगा सिकंदराबाद करीमनगर, वहाँ से बॉर्डर निकलूंगा महाराष्ट्र बॉर्डर, महाराष्ट्र के बाद, हाँ महाराष्ट्र के बाद इंशाल्लाह, महाराष्ट्र के बाद इंशाल्लाह मैं पहुँचूँगा गुजरात, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा होते हुए पंजाब, पंजाब से इंशाल्लाह पाकिस्तान एंट्री करूँगा अगर हमारी सरकार मुझे इजाज़त दे दी तो। हाँ भाई है मेरे दोस्त है भाई, ये मेरे को मिले यहाँ पे, मैं जाने की सूरत खोजी हो रहा था, ढूंढ रहा था कैसे जाऊँ मैं, तो इन्होंने मुझे पूरी पूरी मदद की। खास करके वसीम भाई जो है मेरे को साइकिल का इंतजाम किए हैं, हाँ तो उन्होंने मेरे हौसले को अफजाई किया और अल्लाह तुम खर्दा फरमाए और मैं निकल रहा हूँ।